दोस्तों आज हम बात करेंगे कबूतर, कबूतर की मादी अंडों से बंद, मादी जो अंडों से बंद है, बिल्कुल अंडा नहीं देती मादी, उसके लिए इंशाअल्लाह ताला आज मालूमात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सैयद शाकिर, फैंसी पिजन्स केयर में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों ये कई भाइयों की रिक्वेस्ट है, भाई अंडे बिल्कुल नहीं दे रही मादी, उसको क्या करना है। मेरे पास भी है भाई, दो फीमेल्स है, मेरे पास भी वही मसला है। ये हर एक ब्रीडर के पास मसला यही रहता भाई कि अंडों से बंद मादी, तो इसको क्या करें अपन। तो दोस्तों इसके अंदर एक ट्रीटमेंट बताता हूँ मैं आपको, इंशाल्लाह वो ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि गुज़िश्ता में जो दाने का वीडियो बनाया था दोस्तों मैं, वो दाने के वीडियो से माशाल्लाह कई सारे मालूमात हुए मुझको भी, क्योंकि मैं भी दाने का सेक्शन अलग कर दिया, किसको क्या दाना, ब्रीडर्स को क्या देना है, बच्चों को क्या देना है, जेल ज़्यादा एज वाले फीमेल्स को कौन सा दाना देना है, इंशाल्लाह ये सारे चीज़ें अभी स्टार्ट कर दिया मैं। तो मेरे पास एक शैंपिल के लिए एक फीमेल है दोस्तों, मैं इंशाल्लाह आपको फीमेल बताता हूँ, उसका भी वीडियो स्टार्ट कर दिया। वो फीमेल मेरे पास 6 महीने से अंडा तक नहीं मालूम उसको, तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा आगे। अभी तो देखिए दोस्तों ये रहा अभी मई एंडिंग है, मई आज 30 या 31 कुछ है, इंशाल्लाह इसका फिर आपको इंशाल्लाह 1 महीना 1.5 महीने में रिजल्ट बताऊंगा आपको। कल एक वीडियो मेरी फीमेल बता दूँ, देखिए आप लोग तो दोस्तों देखिए माशाल्लाह से दोस्तों, ये एक बार आप माशाल्लाह ज़रूर बोलना, ये है दोस्तों जेट ब्लैक में फीमेल है दोस्तों, जॉइंट है दोस्तों एकदम माशाल्लाह से, जॉइंट में हंगेरियन हाउस, इसका हेड देखिए दोस्तों, क्रस्ट माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्वालिटी की है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है दोस्तों। तो इसको इंशाल्लाह मैं शुरू कर दिया, 1 हफ्ता हो गया दोस्तों, माशाल्लाह इसकी क्वालिटी वगैरह देखिए आप कैसी है, एक बार देखिए इसकी क्वालिटी वगैरह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्वालिटी है दोस्तों। अब इसका भी रिजल्ट बताऊंगा मैं, अंडा क्यों नहीं दे रही इसको, पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया मेरे को। तो दोस्तों बताने का मकसद आप लोगों को, फीमेल जो अंडों से बंद है दोस्तों, हमारे भाई कई यूट्यूब पे बोल रहे भाई अंडे का छिलका डालो, भाई मेरे पास तो दुनिया के अंडे ख़राब हो जाते, अब मैं डालिए तो मसला हल होता ना, ये भी ट्राई करा मैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ कैल्शियम के लिए काम करता है, लेकिन हर चीज़ का, हर बीमारी का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। कई भाई बोलते अंडे नहीं दे रही, ये डाल दो अंडे दे दी, क्या क्या बताते दोस्तों, समझ में नहीं आता। यूट्यूब पर बस अपना चैनल चलाना, बस व्यूज आना, लाइक्स आना, मेरा ऐसा नहीं रहता दोस्तों, जो हक बात इंशाल्लाह आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देखिए सुन लीजिए आप लोग, बिल्कुल आपकी मादी अंडों से बंद है तो आप लोग क्या करिए, आज की डेट डालिए 1 तारीख मिसाल के तौर पे, 1 महीने तक बिल्कुल उसको अलग रखिए दोस्तों, 2 हफ्ते खाली जवारी, गेहूँ और भुट्टे के दाने, मकाऊ और रागी, ये 4 चीज़ें डालिए दोस्तों, 4 के अलावा दूसरा कुछ भी मत डालिए आप। क्यों मत डालिए बोले तो उसके अंदर विटामिन ई है और फैट ज़्यादा है दूसरे दानों में, ये दानों में बिल्कुल फैट नहीं है। अब देखिए दोस्तों मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, मादी अंडे नहीं दे रही, अब एक मादी एज है दोस्तों, एज जब मादी को हो जाता उसके जो बच्चों का जो अंडों का प्रोडक्शन रहता दोस्तों, वो अंडों के प्रोडक्शन में एक क्या बोलते हैं, एक चर्बी सी आ जाती, वो चर्बी को क्या करना है अपन गलाना है, और वो आप क्या भी कर लो, अंडे देती नहीं, अंडे दिए तो भी कुछ एक आध कच्चा अंडा दे देती, तो इसके लिए आप क्या करें दोस्तों, गेहूँ, जवारी, रागी और अपने भुट्टे के दाने, ये बिल्कुल 4 किस्म के या 3 किस्म के आप लोग डेली उसको फीड दीजिए, किसको, अपने फीमेल को, बिल्कुल अलग बंद रखिए। उसके बाद में दोस्तों रोज़ाना उसको डेली सुबह में शाम में उसको आप लोग थोड़ा भगाना दोस्तों, और एक सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर, आप जो भी है दोस्तों ये तकरीबन
फैंसी पीजेंस में आता, तकरीबन उड़ने वाले उड़ान वालों में नहीं आता, क्योंकि वो 12 घंटे उड़ते हैं तो वो प्रॉब्लम आता नहीं उसके अंदर। फैंसी पीजन जब अपन केज में रख के पाले तो दोस्तों वो ना हलने का नहीं गलने का नहीं, एक ही जगह रहती है वो, इसीलिए उसकी अपन क्या करते डालते रहते, ये वो फला फला डालते रहते, सब खा जाती फीमेल, एकदम फैट ईट बढ़ जाता उसको, उसके बाद अंडों से प्रॉब्लम आता। तो इसको क्या करना है, आप पहली चीज़ आप केज से बाहर निकाल लेना दोस्तों, इसको आप केज में रखेंगे रिजल्ट नहीं रहता। जैसा कि कुछ बड़ा है या 10x10 का है या 5x5 का, जो भी आपका जो है प्लेस है खाली प्लेस, वो प्लेस में रखिए उसको। एक छोटी लकड़ी लीजिए दोस्तों, एक 10 मिनट उसके पीछे रहना आप, सुबह और शाम रोज़ाना हकालना उसको, दम हो जाना उन्हें चलते 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 हाँपने लगना उन्हें उसको। तो ये चीज़ आप बिल्कुल जहन में रखें दोस्तों, उसके बाद में रोज़ाना कंटिन्यू ऐसी एक महीने तक कीजिए आप, उसके बाद में आप रोक दीजिए एक दो दिन तीन दिन के बाद में आप, आपको विटामिन ई, जिसमें फैट विटामिन ई कैल्शियम आयरन मिनरल्स जो भी ये सप्लीमेंट्स है दोस्तों, इसके न्यूट्रिएंट्स है, ये आप लोग को स्टार्ट करना है। जो गुज़िश्ता मैं वीडियो बनाया दोस्तों पार्ट 2, वो पार्ट 2 का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, उसको देखिए आप, वो दाने को देखो तो समझ में आ जाता फैट किसके अंदर है और विटामिन ई किसके अंदर है। जैसे कि मिसाल के तौर पे दोस्तों सनफ्लावर सीड्स है वाइट कलर के, दूसरा अपने ग्रीन हरी मूंग है, तीसरा सोयाबीन है, पीनट्स है, तो ऐसे चीज़ों में दोस्तों आपको फैट है प्रोटीन है कैल्शियम है और फर्टिलिटी का भी इसके अंदर कोई इशू नहीं आता। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोग फिर एक महीना कंटिन्यू कीजिए, 2 महीने का कोर्स है दोस्तों इंशाल्लाह। अभी तो इसके अंदर गए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ दाने के बारे में ही बता रहा हूँ आपको, अब सप्लीमेंट में और नहीं बोला मैं, क्या सप्लीमेंट देना कौन सी दवाई देना कब देना इसके बारे में मैं कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वो टॉपिक अलग है बिल्कुल। सिर्फ मैं दाने का बता रहा हूँ आपको, ये दाना कब देना कब रोकना। आप लोग फैट का दाना बिल्कुल विटामिन ई का रोक दीजिए, पहले नॉर्मल दाना दीजिए 1 महीने तक, उसको डेली सुबह शाम भगाइए, उसको उड़ती तो बाहर ओपन करके उसको उड़ाइए इंशाल्लाह। उसके बाद में आप लोग ये दाना दीजिए, 99% आपकी मादी इंशाल्लाह अंडे देंगी। तो इसके बाद में दोस्तों और एक एक वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह मैं, बिल्कुल अंडे तो 99% आएंगे उस पर, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा हो चुका है, मैं इस्तेमाल करा, लेकिन वो टॉपिक अलग है दोस्तों। अभी तो देखिए आप लोग, अभी रेनी सीज़न, अभी बारिश स्टार्ट होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह अभी वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों, उसको जूं के लिए पानी नहलाना है, उसको जूं भूत रहते हैं उसके अंदर, अपना लॉफ्ट क्लीन करना, उसके बाद में वैक्सीनेट करना, अभी उसके बाद में डिवॉर्म कब करना इंशाल्लाह दोस्तों। नए भाई है फौरन आप लोग जो है मेरे चैनल को जल्द से जल्द फॉलो करें, और समझ में आए तो दोस्तों आपको अच्छा लगे इंशाल्लाह लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए भी दुआ कर दूँ इंशाल्लाह। ये टॉपिक दोस्तों यहाँ तक ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह अगले टॉपिक में इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि और मज़ीद मालूमात बताऊँगा, ये खाली फर्टिलिटी के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है बोलते, मसले बहुत बड़े हैं, अभी एक बार स्टार्ट करें तो आधा घंटा पौन घंटा हो जाता वीडियो, तो वो लंबा नहीं होने की वजह से दोस्तों इसीलिए मैं ओनली फीड का बना रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले अगले अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा आप तक लाने की। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलूँगा, अस्सलामु अलैकुम।